Welcome back to my channel. So today I'm going to tell you about types of primer. So as you can see, मैंने कोई भी makeup नहीं लगाया है. Also मैंने कोई cream वगैरह भी नहीं लगाया, moisturizer भी नहीं किया, ना ही primer. क्योंकि मैं आपको लगा के बताने वाली हूँ. So combination scheme तो है ही मेरी, but dry भी बहुत ज़्यादा है. So मैंने यहाँ पे सिर्फ lip balm लगाया हुआ है. तो आज मैं आपसे share करूँगी कि कौन से skin पे कौन सा primer best रहेगा और combination skin पे आप कैसे apply कर सकते ताकि आपका मेकअप लास्ट लॉन्ग रहे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैंने देखी हूँ बहुत टाइप के प्राइमर्स तो आते हैं, बट मेरे पास अभी फिलहाल तीन टाइप के प्राइमर है. एक है ऑयल प्राइमर, पैक कॉस्मेटिक का है. एक है लॉरियल बेस मजीक, जो कि क्रीम बेस में है. एंड द लास्ट एंड माय फेवरेट आल्सो, ये वाटर बेस में है, मैक का. और ये ऑलराउंडर है, लाइक प्राइमर भी करता है और आपके मेकअप को फिक्स भी करता है. ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बट थैंक गॉड कि मेरे पास ऑलरेडी एक है, मैं स्टॉक में रखती हूँ. क्योंकि ये लॉकडाउन में तो कभी क्या पता कितने टाइम तक बंद रहेगा और कब कर पाऊंगी मैं. तो अब सबसे पहले तो मॉइस्चराइजर लगा लो. मैं यहाँ पे निविया सॉफ्ट क्रीम लगा रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो ये मेरे मॉइस्चराइजर मतलब सूट करता है, एकदम अच्छे से मॉइस्चराइज करता है स्किन को. बहुत कम लगाने वाली हूँ क्योंकि प्राइमर्स भी आने वाले हैं, सो वो अपनी स्किन ज़्यादा ग्रसी ना हो जाए, इस वजह से कम ही लगाना. सबसे पहले मैं ये वाला लॉरियल का जो है ये मैं यूज़ करूँगी कि इससे मेरे जो ओपन पोर्स है वो क्लोज हो जाएंगे. और ये मैं सजेस्ट करूँगी ऑयली स्किन वालों के लिए. मेरी सिस्टर की ऑयली स्किन है, फुल फेस ऑयली है, सो ये यूज़ करती है और उससे सूट भी करता है. लाइक ग्रीसी नहीं होता है उसका मेकअप में, ऑयल नहीं निकलता है. सो मैं यहाँ ही यहाँ नोज़ की साइड से लगाऊंगी और हल्का हल्का सा मैं यहाँ पे फॉरहेड पे लगा दूंगी. बहुत ही स्मूथ स्किन कर देता है और इसका टेक्सचर भी काफ़ी स्मूथ है. और अगर समर है तो फिर आप इसको पूरे फेस पे भी लगा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा फेस ऑयली हो जाता है कभी कभार. विंटर सीजन में मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि ऑयल प्राइमर यूज़ करो आप. तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो हम परचेज कर ही सकते हैं. ये भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा टाइट है इसकी कैप फर्स्ट टाइम खुलने पे, सो ये आपको अच्छे से खोलना पड़ेगा इसको, एंड देन यू विल गेट दिस. हालांकि ये बिगड़ चुका है, ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता, बट थोड़ा सा लेके आप यूं करके पूरे फेस पे आप लगा सकते हो. एंड इसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा अच्छी है, ऑरेंज टाइप की है. यहाँ जहाँ पे भी आपने प्राइमर लगाया इसको पूरे फेस पे आप स्प्रेड कर दो. तो अगर आप लोग खुदा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज कर रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगी ऑयल प्राइमर बेस्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी बेस है वो. तो ये बेस्ट रहेगा प्राइमर आपके लिए ऑयल वाला. तो मैंने प्राइमर भी लगा दी हूँ अच्छे से और काफी स्मूथ स्किन लग रही है. थोड़ी सी ऑयल लगेगी आपको क्योंकि अभी मेकअप का बेस आना बाकी है, फिर आप कॉम्पैक्ट यूज करोगे तो ये पूरी ड्राई हो ही जाएगी. बहुत ज्यादा जरूरी है मेकअप प्राइमर प्लस फिक्सिंग स्प्रे, जो कि आप जब भी प्राइमर लगा रहे हो तो प्राइमर को भी पहले फिक्स करना ज़रूरी है. और मैं जब भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना रहता है तो मैं ये ट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि प्राइमर के ऊपर ये जब लगा लेती हूँ मैं फिक्सिंग स्प्रे, क्योंकि ये भी एक प्राइमर ही है सो मुझे चाहिए ही रहता है. ये प्राइमर लगाने के बाद जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ फाउंडेशन को भी मैं फिक्स कर देती हूँ इससे. तो मुझे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मेकअप टिकता है मेरा, क्योंकि शूट मेरा बहुत लॉन्ग लॉन्ग रहता है. तो अब हम इसको अच्छे से फेस पे लगा लेंगे. एंड जस्ट आपको सिर्फ टैप करना है.
और थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद आप फाउंडेशन लगा सकते हो अपना। मुझे एक प्राइमर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, कलर बार का, एकदम ट्रांसपेरेंट था और आई थिंक वो बेस्ट प्राइमर है ये सब प्राइमर को छोड़ के। अगर आप वो एक सिंगल प्राइमर भी ले रहे हो ड्राई स्किन वालों के लिए भी, वो ऑल स्किन टाइप है और सब पे सूट करता है। देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा, आपको देख सकते हो कि ये वाला जो प्राइमर है कलर बार का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कैसे टाइप की वीडियोस चाहिए, लाइक किस टॉपिक पे चाहिए, कोई क्वेश्चंस है आपके तो मैं उस पे वीडियो बनाऊँ, मेकअप के रिलेटेड या फैशन स्टाइल या कुछ भी, आप जो भी चैलेंजेस वगैरह तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वैष्णव मेरे साथ नहीं है फिलहाल, लॉकडाउन अपने घर, मैं अपने घर, कोई बात नहीं। बट तब तक मैं आपको मेकअप के बारे में जो भी मुझे नॉलेज है और आप अगर कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मुझे जितना आता होगा मैं आपको बताऊंगी। सो या आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन दैट बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफाइड फर्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।